मुझे ना खाने नहीं आ रहे, पर ये बहुत मजे के बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या करूँ, जब आप लोगों के सामने आती हूँ तो खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है मुँह पे, पहले सीरियस होती हूँ तो हंसी मजाक छोड़ते हैं। आप उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर में सब खैरियत होगी। इसी तरह हमारे यहाँ भी सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, चैनल भी जबरदस्त जा रहा है और ये आप लोगों की सपोर्ट का नतीजा है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब, ज़्यादा लेट नहीं करते। आज की रेसिपी बहुत मज़े की है और ये दोपहर के टाइम बन रही है और बहुत मज़े की है। आप लोग इसको दोपहर के टाइम बनाएं और इंजॉय करें। तो चलते हैं, देखते हैं रेसिपी में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज वेजिटेबल्स और चिकन है मेरे पास। चिकन बोनलेस है और मैंने लेग्स का चिकन लिया है, आपने भी इसी तरह करना है। लेग्स के ऊपर से चिकन उतार लेना है और वही चिकन आपको काम देगा। इधर वेजिटेबल्स पड़ी हैं, यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये नूडल्स हैं तो ये डाल देते हैं इस तरह करके। पानी अच्छी तरह बॉयल होना चाहिए तो ये मैंने पानी को अच्छी तरह बॉयल कर लिया था और इस तरह करके ना इसको डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 पैकेट लिए हैं नूडल्स के, कोई से भी आप ले सकते हैं, स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप स्पैगेटी यूज़ करना चाहते हैं तो वो 1 पैकेट आप यूज़ कर लें। दूसरी तरफ जो हमारा चिकन है उसको मैरिनेट करेंगे। यहाँ ये मेरे पास चिकन है, चिकन के अंदर ये मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास है हल्दी 1/2 चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक, काली मिर्चें 1 चम्मच और कुटी हुई सुर्ख मिर्च है 1 चम्मच। तो ये डाल देती हूँ। तो चिकन मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 पाव, 1.5 पाव चिकन आपको काफ़ी रहेगा, 1 पैकेट स्पैगेटी का या 3 पैकेट नूडल्स के। और वेजिटेबल तो आप अपनी पसंद के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े की रेसिपी है तो इसको ट्राई करें जी। तो इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ चिकन में अच्छी तरह। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, इसको 15 मिनट के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। जी तो यहाँ पे इस पे नमक डाल देंगे, टेस्ट के मुताबिक डालना है और इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, ये ऐसे लंबे लंबे होने चाहिए, आपने इन्हें तोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह करके ये नूडल्स होंगे तो अच्छे लगेंगे जी। तो ये देखें, ये इसी तरह गल जाएंगे तो हम इनको छान लेंगे जी। तो मैं इसको अब छान लेती हूँ, ये गल चुके हैं तो पानी निकाल लेंगे इसका और नूडल्स अलग कर लेंगे। पैन लिया है, इसके अंदर 2 चम्मच घी डालते हैं। ये गर्म हो गया, यहाँ मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच है, अगर आप चाहें तो सिर्फ लहसुन डाल सकते हैं वो भी कुटा हुआ। तो यहाँ मैं इसको इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो ये हो गया है गोल्डन ब्राउन। अब इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। ये देखिए मेरे पास ये मैरिनेट किया हुआ है चिकन, तो ये मैंने डाल दिया। इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लेंगे। जी तो चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, अब इसके अंदर पानी डाल देते हैं 1/2 गिलास। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1/2 गिलास पानी डाला है, मैंने लो आंच पे इसको फ्राई किया है। आपने भी इसको लो आंच पे करना है ताकि चिकन कच्चा ना रह जाए। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये पेस्ट बनाया हुआ है, ये कॉर्नफ्लोर है 1 चम्मच और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने पानी डाला है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच पानी, ज़्यादा नहीं लेना, बस ये इतना ही काफ़ी है। तो ये भी उठाते हैं, अच्छी तरह हल कर लिया मैंने इसको, चम्मच निकाल देती हूँ और ये भी इसके अंदर डाल देते हैं।
ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये है मेरे पास ग्रीन चिली पेस्ट है, आपके पास नहीं है तो आप सिरका डाल लें। तो ये है एक चम्मच, ये डाल देती हूँ। ये हॉट सॉस है, ये डाल देती हूँ। इन्हें मिक्स कर लेते हैं। बाकी चीज़ें अभी नहीं डालनी, पहले सिर्फ यही डाल के इसको बना लेते हैं। तो आँच मैंने हल्की कर दी है। अब ये वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च है, गाजरें हैं, बंद गोभी है, टमाटर है। शिमला मिर्च डालेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे अभी, गाजरें भी डाल देंगे और साथ ही बंद गोभी भी डाल देंगे। तो अगर कोई आप वेजिटेबल स्किप करना चाहते हैं तो वो कर लें, टमाटर बाद में डालेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ ये क्वांटिटी बेस्ट है इतने नूडल्स या स्पैगेटी के लिए। तो इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जी तो वेजिटेबल्स हल्की हल्की फ्राई हो चुकी हैं। अब ये टमाटर हैं, टमाटर डाल देते हैं। तो एक छोटा नॉर्मल टमाटर था जिसके अंदर के बीज निकाल के मैंने ऊपर वाला हिस्सा क्यूब की शक्ल में डाला है। तो आप चाहें तो स्लाइसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे नूडल्स डाल देंगे इसके अंदर। देखें ये ऐसे होने चाहिए आपके नूडल्स, ये अलग अलग, तो इस तरह हो जाए। स्पैगेटी ले लें, नूडल्स ले लें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। तो ये मैं डाल देती हूँ जी। तो ये इस तरह करके मैंने ना अलग अलग करके नूडल्स डाल दिए हैं। यहाँ पे है मेरे पास सोया सॉस, ये डालूँगी एक चम्मच। केचप है, ये भी एक चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं डालना। जी तो उस चम्मच से मुझे मुश्किल हो रही थी तो मैं इससे मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हमारे स्पाइसी नूडल्स रेडी हैं। और ये वो एक होती है डिश जिसको कहते हैं चाउमीन, ये उसकी टाइप है। तो मैंने इसको नूडल्स से तैयार किया, आप स्पेगेटी से भी कर सकते हैं, बार बार बता रही हूँ तो कोई हर्ज नहीं है। आप आम बच्चों वाले नूडल्स लेके उनसे भी रेडी कर सकते हैं, और ये और पैकिंग मिलती है नूडल्स की, वो भी ले सकते हैं, और स्पेगेटी भी चल जाती है। तो मज़ेदार सी डिश रेडी है। आज का जो लंच है हमारा बहुत मज़े का होने वाला है, तो आप लोग इसी तरह ट्राई करें। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इस तरह करके ना आपके नूडल्स को अलग अलग होना चाहिए। तो जब आपने इसे पानी से निकालना है ना, तब इनके अंदर ऑयल डाल देना है ताकि ये सेट हो जाए। तो मैं इसको इस तरह करके ना डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एग भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह बिल्कुल चाइनीज़ राइस में करते हैं, तो उससे भी ये टेस्टी लगता है और टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। ये जो ठंड का मौसम है इसमें ये बहुत मज़े की लगती है और फुल स्पाइसी है। आप राइस और इस तरह की चीज़ मत बनाएं, ये बनाएं, आसानी से बन जाती है। बच्चों को दें, बड़ों को दें और ख़ुद भी इंजॉय करें। और मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मैं इसको टेस्ट करती हूँ। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मज़ीद स्पाइसेस मतलब ओरिगानो वगैरह डाल सकते हैं, अदरवाइज ये वैसे ही इस तरह बनाएंगे ना, ये बहुत मज़े की बनेगी। जी तो बिस्मिल्ला करते हैं, इसे थोड़ा कर लेती हूँ। मुझे ना खाने नहीं आते पर ये बहुत मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोग इसको बनाएं, आप लोगों को खुद ही यकीन आएगा। बिल्कुल इसी तरह चीजें डालें, बहुत मजे के बनते हैं। मैनू भी मांग रहे हैं। तो बस आज की रेसिपी थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।